हेलो एवरीवन, जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में, जो संवैधानिक विकास के लिए जितने एक्ट आए गए थे उसके लिए मैं दो पार्ट लेके आ चुका हूँ। जो आज हमारा है वो पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम उन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो उसके बाद एक्ट कौन से आए, जो अधिनियम पास हुए थे वो कौन से पास हुए थे। 6 पढ़ चुके हैं, आज हमारा है 7वां। 7वां क्या आया, जो भारत शासन अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1861 के अंदर, जो 1861 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, उसके अंदर क्या कुछ था ये पढ़ते हैं। देखते हैं क्या बोला गया कि भारत में क्या गया, जो पोर्टफोलियो का सिस्टम बनाया गया। ये पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या बोला गया कि इसमें विभाग बांट दिए गए। कैसे कर दिया, विभागीय, जो विभाग है हर एक भाग के अंदर क्या किए गए, उसके पार्ट कर दिए गए। विभाग एक भाग के अंदर क्या बोला गया, उसके छोटे छोटे विभाग बांट दिए गए। वो उसकी शुरुआत की गई किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंदर किसकी, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इस किसके द्वारा की गई थी, ये पोर्टफोलियो सिस्टम की जो व्यवस्था है ये थी किस कौन, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से की, पोर्टफोलियो की शुरुआत, सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन से एक्ट के द्वारा की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861 के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्या बोला गया कि भारत शासन अधिनियम 1909 के अंदर कौन सा आया एक्ट लाया गया था, उसके बारे में देखते हैं। उसको मार्ले मिंटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें मार्ले और मिंटो की बात आती है। जो मार्ले थे ये कौन थे भारत सचिव, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, मार्ले थे। और जो मिंटो थे वो कौन थे, वायसराय, कौन थे, वायसराय थे। तो इस एक्ट में स्पेशल क्या था, इम्पोर्टेंट है, जो इसमें बोला गया इस एक्ट के द्वारा क्या बोला गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्टार्ट की गई। इस एक्ट में क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्टार्ट की गई। कौन से एक्ट में, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर। क्या बोला जाता है इसको, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, आगे आया भारत शासन अधिनियम 1919 के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का एक्ट आया। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। वैसे ही इसमें जो मॉन्टेग थे वो कौन थे, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, वायसराय थे। इसमें स्पेशल क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो लास्ट वाला एक्ट आया था जो 1909 के अंदर, जो मार्ले मिंटो था, उसके अंदर स्पेशल मुसलमानों के लिए, किसके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था। इसमें क्या बोला गया, इसमें सिख और ईसाइयों के लिए, क्या बोला गया, सिख और ईसाइयों के लिए प्रथम जो पृथक है अलग से निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई। इसमें और क्या गया, इसमें प्रांतों में दवैत शासन, मतलब डुअल गवर्नमेंट की प्रथा की भी शुरुआत की गई। किसमें, ये क्वेश्चन भी बनता है कि डुअल गवर्नमेंट की जो प्रथा है वो किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी, वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों के अंदर डुअल गवर्नमेंट की प्रथा चलाई गई। अब ड्यूल गवर्नमेंट की बात आती है, तो ड्यूल गवर्नमेंट का यहाँ से एक नोट डाल के दिखा है। क्या बोला गया कि ड्यूल गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लियोनस कार्टियस। किसको बोला जाता है, लियोनस कार्टियस को बोला जाता है। एक्ट 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया, वो कौन सा एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 के अंदर। इसके अंदर देखते हैं इम्पोर्टेंट बात क्या बोली गई थी। इसमें सबसे पहले जो RBI है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका गठन किया गया किसके अकॉर्डिंग, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। और जो इससे पहले वाला एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जो डुअल गवर्नमेंट की जो प्रथा स्टार्ट की गई थी, इसके अंदर उसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, इसके अंदर जो प्रांतों के ही जो ड्यूल गवर्नमेंट आई चलाई गई थी, उसको क्या किया गया, इसमें उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा क्या बोला गया, इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन का भी गठन किया गया। कौन सा एक्ट, एक्ट नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किसका, ऑल इंडिया फेडरेशन का भी गठन किया गया। हमारे संविधान
अभी क्या है, जो हमारा जो संविधान बना है इसमें मोस्टली क्या बोला गया, इसके अंदर हमारे संविधान का अधिकांश जो प्रावधान है इसी एक्ट से लिया गया है। मोस्टली जितना भी इस एक्ट में बोला गया था वो हमें, हमने क्या किया, हमारे संविधान में बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया है। अब बात आती है साइमन कमीशन की, किसकी बात आई, इसी में साइमन कमीशन की बात आती है। सो साइमन कमीशन के देखा जाता है तो इसमें वे हुए थे आरटीसी, मतलब आरटीसी का मतलब क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कमेटी हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, क्या बोला गया, गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था, वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक, 13 जनवरी 1931 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक क्या हुआ था, आरटीसी वन मतलब गोलमेज सम्मेलन वन हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था लंदन में, किसके, कौन थे वहाँ पर, लंदन के अंदर जॉर्ज प्रथम के द्वारा किया गया था 1930 के अंदर। और यहाँ पर जो गांधी जी थे, यहाँ पर गांधी जी उपस्थित नहीं थे। जो पहली राउंड टेबल हुई थी, राउंड टेबल कमेटी हुई थी, उसमें क्या बोला गया, उसमें गांधी जी नहीं थे। उसके बाद आता है आरटीसी टू, मतलब राउंड टेबल कमेटी आई, जो टू आई वो कब आई, 1931 के अंदर। ये कब से कब तक चली, ये चली 1 से 7 दिसंबर तक, कब से कब तक चली, 1 से 7 दिसंबर तक चली थी। और ये भी लंदन में ही हुई थी। और इसके अंदर कौन, गांधी जी प्रेजेंट थे, इसके अंदर कौन थे, गांधी जी प्रेजेंट थे। तो एक थर्ड हुई थी जो आरटीसी थर्ड, जो हमारी आई थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड आई थी, वो आई थी 1932 के अंदर। कब आई, 1932 के अंदर वो हमारी तीसरी हुई थी, वो हुई थी 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुई थी। वो भी लंदन के अंदर ही हुई और उसमें भी गांधी जी प्रेजेंट नहीं थे। तो थैंक यू गाइज़।